हेलो एवरीवन वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की एब्सोल्यूट साइंस का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है हीट एंड टेंपरेचर इसमें जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट तो चलिए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं The terms hot and cold used by us so often refer to certain class of bodily sensation which we generally experience through touch. Hot or cold यानी कि सर्द और गर्म ये दोनों ही चीज़ें क्या आती हैं आपकी body की sensation होती है जो आप feel करते हैं touch के जरिए If we touch a freshly prepared cup of tea, it appears hot to us. If we touch ice, it appears cold to us. अगर हम गरम-गरम चाय के कप को टच करेंगे तो वो हमें गरम दिखेगा और अगर हम आइस को टच करेंगे तो वो हमें सर्द लगेगी द फिज़िकल क्वान्टिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज़ कॉल्ड टेम्परेचर यही जो फ़िज़िकल क्वान्टिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको कोई चीज़ ठंडी लगती है या गर्म इसको मापने का जो मापदंड है वो टेम्परेचर कहलाता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लोस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर यानी इसी टेम्परेचर डिफरेंस के ही जरिए जो हीट ट्रांसफर होती है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होती है यानी कि जो हीट फ्लो होता है दैट इज़ फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू अ लो टेम्परेचर वी कैन नॉट सी हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर से हम हीट का जो फ्लो है उसको देख नहीं सकते हैं ठीक है बट हम उस इफेक्ट को देख सकते हैं जो वो चेंज प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड आर सफिशेंट टू कन्वे एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी यानी कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बता देती है ठीक है बट नॉट फॉर साइंटिफिक वर्क पर ये साइंटिफिक वर्क के लिए नहीं है नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर दे रखा है हीट क्या है हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है पर टेम्परेचर एक डिग्री यानी कि एक मापदंड है गर्माहट को नापने का हीट इट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलरी यानी कि जो हीट का यूनिट है वो है जूल्स या कैलरी और टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस में इसको नापा जाता है या कैलविन में हीट हीट इज मेजर्ड इनडायरेक्टली हीट को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं लेकिन टेम्परेचर को हम डायरेक्टली ही मेजर कर देते हैं कोई भी अपरेटस यूज करके अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में सबसे पहले आता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज बाई द डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी ये क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर यूज करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को माप सकें इसमें एक स्टेम होती है विद एन इनर कैपुलरी ट्यूब एंड अ बल्ब कंटेनिंग मरकरी एक कैपुलरी एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें एक नीचे टिप पे एक बल्ब होता है जहाँ पे मरकरी होती है द कैपुलरी ट्यूब हैज अ स्मॉल बैंड कॉल्ड किंक इट. इसमें एक छोटा सा बैंड होता है यानी कि झुकाव होता है जिसको किंक कहा जाता है अब ये बैंड होता क्यों है दिस बैंड प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम गेटिंग बैक इन टू द बल्ब हाफ्टर द थर्मो मीटर इज टेकन आउट फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ जब किसी पेशेंट के मुंह में थर्मामीटर रखा जाता है तो मर्करी का टेम्परेचर हाई होकर वो ऊपर की तरफ चला जाता है तो जब हम वो निकालें पेशेंट के माउथ से वो मरकरी फिर से ड्रॉप होके नीचे ना आ जाए इसलिए वो छोटा सा बेंड दिया जाता है टू री यूज इट इट टू बी गिवन शार्प जर्क्स विच ब्रिंग्स द मरकरी बैक टू द बल्ब बाई फ्लोइंग द बेंड यानी कि उसको दोबारा यूज करने के लिए हमें उस थर्मामीटर को जोर जोर से झटकना पड़ता है ताकि वो मरकरी उस बेंड से होता हुआ वापस बल्ब में आ जाए बल्ब क्या होता है ये टिप वाला पॉइंट जो नीचे है यहीं पे बेसिकली मरकरी होता है और यहाँ किंक यह देखिए आपको ऊपर दिखाया गया है ये बैंड है इट इज मार्क्ड फ्रॉम 35 फाइव डिग्री सेल्सियस टू 42 टू डिग्री सेल्सियस यानी कि थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक होता है ये 35 फाइव डिग्री सेल्सियस से लेके 42 टू डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसको ईच डिग्री को पांच स्मॉल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है यानी कि जो स्मॉल डिवीजन है वो है कितना 0.5 पॉइंट डिग्री सेल्सियस का इफ़ ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू टेन इक्वल पार्ट अगर उसको टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो छोटा वाला डिवीजन कितने का हो जाता पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस का ठीक है फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर द थर्मो मीटर बल्ब इज कैप्ट अंडर द टंग फॉर वन मिनट आपको थर्मोमीटर यूज़ कैसे करना है इसको यूज़ करने के लिए जो पेशेंट का माउथ है उसकी टंग के नीचे आपको मरकरी का बल्ब रखना है कम से कम एक मिनट के लिए फिर उसके बाद उसको निकाल के आपने चेक करना है एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस यानी कि जो हेल्दी और नॉर्मल पर्सन होगा उसका बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अब आपको जब क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करना है या पकड़ना है तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं आइए वो पढ़ते हैं सबसे पहले वॉश इट वेल विथ क्लीन वाटर एंड डिप इट इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसे हमेशा धो लें साफ़ पानी से या किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करके रखें सेकेंड है बिफोर यूजिंग इट मेक श्योर दैट द मरकरी लेवल इज बिलो थर्टी फाइव डिग्री यानी कि जो मरकरी है उसका लेवल 35 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए ये आपने पहले ही देखना है यूज करने के सेकंड है हैंडल विद अटमोस्ट केयर उसको एकदम अच्छे से केयर संभाल के करना है क्योंकि अगर वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो गया तो वो जल्दी ही टूट जाएगा और मर्करी एक बहुत ही ज्यादा जहरीला पदार्थ है वाइल्ड रीडिंग डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाई द बल्ब जब आप टेम्परेचर रीड कर रहे हों तो थर्मामीटर को बल्ब से ना पकड़े, यानी कि टिप से ना पकड़े उसको पीछे से पकड़ें टू टेक एक्यूरेट रीडिंग होल द थर्मामीटर एट आई लेवल स्लोली टर्निंग इट बिटवीन योर थम एंड फोर फिंगर अ शाइनिंग लाइन अपीयर्स एंड फोकस ऑन वेयर द लाइन एंड्स आपको अगर अच्छे से इसकी रीडिंग लेनी है यानी कि देखना है कि कितना टेम्परेचर है तो थर्मामीटर को अपने आँख के लेवल तक पकड़ें उसके बाद फिर अपने थंब और अपने जो फोर फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर है उससे थोड़ा थोड़ा घुमाएं। जब आपको एक शाइनिंग वाली लाइन बीच में दिखेगी तो उसको देखें उस पर फोकस करें और देखें वो कहाँ एंड होती है जहाँ वो एंड होगी वो आएगा आपका टेम्परेचर नेक्स्ट डू नॉट कीप द थर्मामीटर इन दिस सन अदरवाइज इट में ब्रेक थर्मामीटर को कभी भी धूप में ना रखें क्योंकि वह टूट जाएगा डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्लिनिकल थर्मामीटर को किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ नहीं करेंगे ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर है हमारा डिजिटल थर्मामीटर मीटर ये भी सेम है आपको ह्यूमन uh, बॉडी के टेम्परेचर ही मापने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है इसके अंदर एक थर्मिस्टर होता है जो आपका बॉडी टेम्परेचर सेंस कर लेता है और डिजिटली इसमें शो हो जाता है कि कितना टेम्परेचर है कुछ इस तरीके से नेक्स्ट आता है आपका थर्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर ज्यादातर लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ों या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए और इसका जो टेम्परेचर होता है ये कहाँ से कहाँ तक नाप नाप सकते हैं माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से लेके हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर माप सकते हैं ठीक है यानी कि इसकी रेंज कहाँ से है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है ये किसी का बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं इससे आप किसी आइस का या किसी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नाप सकते हैं अब और लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी रिकोगनाइज बाई इस लॉन्ग स्टैम सिल्वर बल्ब एट द एंड इसकी बहुत लंबी स्टैम होती है और एक सिल्वर बल्ब होता है नीचे कैन यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मो एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या आप बता सकते हैं लेबरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है तो इसके अपेयरेंस से ही आपको पता चल जाता है ठीक नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए वाइल टेकिंग अ रीडिंग यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग लेते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आइए पढ़ते हैं यू शुड होल्ड अ थर्मामीटर अपराइट नॉट टिल्टेड इस थर्मामीटर को एकदम सीधा पकड़ते हैं नाइन्टी डिग्री में ठीक है बिल्कुल भी इसको टिल्ट यानी कि बैंड नहीं करना है द थर्मामीटर बल्ब शुड बी कम्प्लीटली सराउंडड बाई द सबस्टेंस हु टेम्परेचर इज टू बी मेजर जिस चीज़ का आपने टेम्परेचर मेजर करना है उसके अंदर ये कम्प्लीटली डिप होना चाहिए यानी कि चारों तरफ से उस ऑब्जेक्ट से ये सराउंडेड होना चाहिए द थर्मामीटर बल्ब मस्ट नाट बी टच द बेस और साइड ऑफ द कंटेनर जो इस थर्मामीटर का बल्ब है उसको आपने बेस से तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है ना ही साइड से यानी कि कंटेनर से नहीं टच होना चाहिए जो अंदर का सोल्यूशन है बस उसमें रहना चाहिए आपने बिल्कुल नीचे बेस तक भी इसको टच नहीं करना है नेक्स्ट द टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड वेन द थर्मोमीटर इज इन द सब्सटैंस यानी कि जो जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं उसी के अंदर रख के ही उसका टेम्परेचर आपने चेक करना है उस सब्सटेंस से इसको बाहर नहीं निकालना है अगर आप बाहर निकालेंगे तो जो ड्रॉप है मरकरी का वो क्या है गिर जाएगा ठीक है तो इसलिए आपने सब स्टैंड के अंदर रख के ही अपने आई लेवल तक तो उसको उठाना है और देखना है कि जहां शाइनिंग लाइन एंड होती है वहां आपका टेम्परेचर है ओके तो ये था आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट हीट किस प्रकार से ट्रांसमिट होती है आइए पढ़ते हैं अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी रॉड को पकड़ें एक मेडल रॉड आपने पकड़ी है उसको एक एंड से क्या करें स्पिरिट लैम्प से जलाएं तो हीट जो ट्रांसफर है वो ए से बी तक जाएगी बी से सी डी ई एफ और ऐसे ही पास होते होते कहाँ तक चल जाएगी एच तक और आपको फिर वो गर्माहट फील होगी तो यानी कि ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको बोलते हैं कंडक्शन अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेयर हीट इज ट्रांसमिटेड बाई वन पार्टिकल टू द अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल यानी कि इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसमिट हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है कंडक्शन और इस तरह का हीट फ्लो कहाँ होता है सॉलिड्स में कंसिडर द सेकेंड पॉसिबिलिटी अब सेकेंड पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या बोली है कि एक फ्लास्क लीजिए और उसमें पानी भरिए और नीचे उसके आप स्पिरिट लैम या आग जला दीजिए तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पे आग जल रही है वहाँ के जो पार्टिकल होंगे वह गर्म होना शुरू करेंगे जब वो गर्म हो जाते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं हल्के होने की वजह से वो ऊपर की तरफ आएंगे और जो दूसरे होंगे पार्टिकल्स उनको लिए जगह छोड़ देंगे तो इस तरीके से ये क्या होगा फ़्लो ऑफ हीट होगा उसी कंटेनर के अंदर तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कन्वेक्शन द मोड इन विच ईच पार्टिकल रिसीव हीट मूव्स अप एंड मेक्स वे फॉर द सराउंडिंग लिक्विड टू रिसीव हीट यानी कि इसमें हर एक पार्टिकल को हीट मिलती है और वो फिर हल्का होकर ऊपर की तरफ चला जाता है और दूसरे पार्टिकल के लिए जगह छोड़ जाता है ताकि उसको भी हीट रिसीव हो सके तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन को कहा जाता है कन्वेक्शन अब आता है थर्ड थर्ड में क्या होता है कि इसमें जो आपको हीट है वो डायरेक्टली ही मिल रही है जैसे कि जो सन की एनर्जी है वो डायरेक्टली अर्थ को मिलती है भले ही सन कहाँ है वैक्यूम में लेकिन वैक्यूम से उसकी डायरेक्ट एनर्जी कहाँ मिल रही है हमें यानी कि अर्थ पे तो इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है रेडिएशन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में डायरेक्ट हीट ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है यानी कि उसमें क्या होता है एकदम ही डायरेक्ट जो है हीट ट्रांसफर होती है तो उसे कहा जाता है रेडिएशन ठीक है अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंडक्शन के बारे में कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ द बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर कंडक्शन क्या है हीट फ्लो होता है किसी हॉट से कोल्डर हैंड तक यानी कि एक जगह से जहाँ गर्म हो रहा है धीरे धीरे वो ठंडी वाली जगह को भी गर्म करने लग जाता है या किसी दो बॉडी के बीच में जिनका टेम्परेचर क्या हो अलग अलग लेकिन वो आपस में कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए अब इसमें आता क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कंडक्शन टेक्स प्लेस मोस्टली इन सॉलिड ये ज़्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही होता है कंडक्शन ऑकर्स वेन द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्वायर मोर एनर्जी वाइब्रेट मोर विगरसली एंड इंक्रीज इन एनर्जी रिजल्ट इन द राइज इन टेम्परेचर यानी कि जिस जगह जो पार्टिकल हैं हॉट हो रहे हैं वहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं एनर्जी गेन करते हैं फिर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होकर आगे आगे बढ़ते रहते हैं जिसकी वजह से हर जगह पे एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और टेम्परेचर बढ़ता रहता है द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल एट द हॉटर एंड इंड्यूस वाइब्रेशन इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स और वही क्या करते हैं मॉलिक्यूल अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल्स में भी वाइब्रेशन इंक्रीज करने लगते हैं इसी की तरह क्या होता है वाइब्रेशन पास अलोंग होती रहती है ऑब्जेक्ट में और हीट ट्रांसफ़र होती रहती है रिमेंबर फॉर कंडक्शन टू ऑकर द टू ऑब्जेक्ट हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट एंड देयर टेम्परेचर शुड नॉट बी द सेम दो ऑब्जेक्ट में कंडक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो यानी कि वो जुड़े हुए हों और दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो ठीक है गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टिविटी इज अ रिलेटिव टर्म कंडक्टिविटी एक टर्म है नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्टली गुड कंडक्टर और परफेक्टली बैड यू you नो know, हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ें परफेक्टली गुड या बैड नहीं है ठीक है कोई भी कंडक्टर मतलब जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सके ठीक है तो यहाँ पे आपका जो गुड कंडक्टर होते हैं वो वो सब्सटेंसेस या वो चीज़ें होती हैं जिसमें से ईज़िली हीट ट्रांसफ़र कर सकता है और बैड कंडक्टर जिन्हें कि इंसुलेटर भी कहा जाता है उनके अंदर से हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक पैन है जिसको नीचे से डायरेक्ट हीट मिल रही है तो पैन को जो डायरेक्ट हीट मिल रही है वो हो गया रेडिएशन उसके अंदर जो पानी बॉईल हो रहा है उसमें जो गर्माहट पास हो रही है वो हो गया कन्वेक्शन और उस पैन को गर्म होते ही जो उसका हैंडल भी उसके साथ गर्म हो रहा है वो हो गया कंडक्शन यानी कि तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह दिखाई गई हैं आगे आता है हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज से हमें पता चल कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं गुड कंडक्टर और कुछ होती हैं बैड कंडक्टर तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपके आते हैं मेटल जिसमें आता है गोल्ड आयरन सिल्वर कॉपर मरकरी एक्सेट्रा और जो बैड कंडक्टर्स हैं उसमें आता है वुड ग्लास प्लास्टिक एयर एक्सेट्रा नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर्स अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी इसमें कौन कौन सी दी गई है हम देखेंगे एस्पेस्टॉस वैक्यूम एनक्लोज एयर कॉटन फेल्ट ग्लास वूल ये सारे क्या हैं आपके इंसुलेटिंग मटेरियल है यानी कि ये जो मटेरियल है इनके अंदर से हीट जो होती है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है कौन कौन सी चीज़ें एस्पेस्टॉस ये एक फैब्रिक है वैक्यूम कोई भी एनक्लोज एयर कॉटन फेल्ट या ग्लास वूल ये सब क्या हैं आपके इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे एग्जांपल दिया है आइस बॉक्स इज़ डबल वॉल्ड बॉक्स। एक आइस बॉक्स क्या होता है इसमें दो दो वॉल होती हैं और उनके बीच में एक खाली जगह छोड़ी जाती है जिसमें ग्लास वूल डाली जाती है ताकि वो एक इंसुलेटर बन जाए और जो अंदर की गर्माहट है वो बाहर ना जा पाए डबल वॉल्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक लिविंग एन एयर गैप डबल वॉल कंस्ट्रक्शन कहाँ यूज की जाती है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है और बीच में वहाँ क्या दे देते हैं एयर गैप दे देते हैं यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं ये एयर गैप में क्या होता है ये हीट को बाहर फ्लो नहीं करने देता है ये एक इंसुलेटिंग एयर लेयर का काम करता है नेक्स्ट हैं आपके जो वुलन के कपड़े होते हैं उसमें भी बहुत सी स्पेस होती है अंदर यानी कि एयर गैप होते हैं एयर गैप होने की वजह से जो वो गैप हैं वो क्या काम करते हैं आपके इंसुलेटर का तो आपके बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है यानी कि हमारे अंदर शरीर की जो गर्माहट होती है उसको वो बाहर नहीं निकलने देता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है गर्मी आती है दो पतले पत्ते ब्लैंकेट हमें ज्यादा गर्माहट प्रदान कर सकते हैं एक थिक यानी कि मोटे ब्लैंकेट से क्योंकि उन दो ब्लैंकेट्स के अंदर क्या होगा एयर गैप होगा जो एक इंसुलेटर का काम करेगा और हीट को बाहर पास नहीं होने देगा अ फ्रेशली मेड किल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड किल्ट यानी कि एक आ, फ्रेशली बना हुआ जो चादर होती है वो ज़्यादा गर्माहट देती है एक पुराने चादर से क्योंकि उसमें ज्यादा एयर जो है वो ट्रैप हो सकती है ठीक है जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स क्या होते हैं सर्दियों में वो अपने फेदर्स को फुला देते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एयर क्या है अपने फेदर्स के अंदर ट्रैप कर सकें और फिर अपने बॉडी को गर्माहट दे सकें। एस्किमोज जो ईग्लू बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो भी अपने घर को डबल वॉल की घर बनाते हैं और बीच में क्या रखते हैं स्पेस रखते हैं जैसे ये दिखाया गया ये इग्लू है ये ये ईग्लू है यहाँ देख सकते हैं आप ठीक है ये क्या होता है डबल वॉल्ड हाउस होता है इसमें बीच में जो है खाली स्पेस छोड़ी गई है जहाँ पे एयर को ट्रैप करते हैं ताकि अंदर की जो गर्माहट है वो बाहर ना निकल सके सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आयरन ओवन कैटल्स या कुकिंग पैन प्लास्टिक ये सारी चीज़ें भी वही चीज़ करती हैं ठीक है जैसे कि सर्दियों में लोहे की चीज़ आपको ज़्यादा ठंडी लगती है एज़ कम्पेयर टू वुडन अब लकड़ी क्या है लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है यानी कि आपकी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो उस लकड़ी तक ही रहेगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी जिसकी वजह से आपको लकड़ी जो है वो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है ठीक है बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आपकी जो बॉडी हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देते इंस्टुलेटर्स ठीक है आपकी जो गर्माहट है वो आपके पास ही रहती है नेक्स्ट है कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या होता है ये ज़्यादातर लिक्विड या गैसेस में होते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल है उनकी जो एक्चुअल मूवमेंट होती है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है अब इसका करंट या डेली लाइफ में हमारा क्या रोल है स्मोक और हॉट गैसेस जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं या वर्कशॉप में वो एक बड़ी चिमनी के थ्रू बाहर निकलती हैं तो ये जो है प्रोसेस ये भी क्या है कन्वेक्शन है हॉट एयर गर्म जो हम ब्रीद आउट करते हैं यानि कि बाहर फेंकते हैं थ्रू वेंटिलेटर्स हमारे घरों में जो छोटे छोटे से वेंटिलेटर बने होते हैं उसमें से गर्म हवा बाहर की तरफ जाती है और फ्रेश एयर अंदर आ जाती है डोर्स और विंडोज से वो क्यों होता है ये भी क्या है ये भी प्रोसेस ऑफ़ कन्वेक्शन है कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं वहाँ की हवा क्या हो जाती है हल्की तो वो फ्लो करती है उस ओर जहाँ पे ठंडा है तो वो जो गर्म हवा आपकी फ़्लो होकर ठंडी जगह जाती है तो ठंडी हवा क्या होती है उस गर्म हवा की जगह ले लेती है तो इस तरीके से क्या होता है हीट फ्लो होता है और जो गर्म हवा है वो हमारे घर से बाहर जाती है और ठंडी हवा अंदर आती है ड्यूरिंग डे टाइम दिन के टाइम में हमारी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा हीटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर इन द सी यानी कि समुंद्र में जो पानी होता है तो जमीन की जो एयर है वो क्या होती है लाइटर हो जाती है और उसके बाद वो किस तरफ चली जाती है समुद्र की तरफ बहनी शुरू हो जाती है और जो समुद्र की ठंडी हवा है वो क्या आती है हमारे लैंड की तरफ आने लग जाती है तो इसको क्या कहते हैं सी ब्रीज यानी कि जो समुद्र से ठंडी हवा आ रही है उसको सी ब्रीज कहा जाता है सेम इसका उल्टा प्रोसेस होता है रात में रात में हमारी जमीन ठंडी होती है तो जो ठंडी होती है और सी वाटर क्या होता है वो कम एज कम्पेयर टू लैंड के ठंडा होता है तो हम जो हवा है वो सी वाटर से हमारी तरफ गर्म आएगी और हमारी तरफ से जो है वो ठंडी वहाँ की तरफ जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं नाइट में इसको कहा जाता है लैंड ब्रीज जो लैंड की तरफ से ब्लो होके करंट सी की तरफ जा रही है उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द नीड ऑफ़ इंटरवेनिंग मटीरियल या मीडियम इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है इसको कहा जाता है रेडिएशन ठीक है जितनी भी हॉट बॉडी रेडिएट करती हैं हीट या अब्जॉर्ब करती हैं अपने सराउंडिंग से अपने आजू बाजू से वो इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र से होता है जिसको रेडिएशन कहा जाता है ठीक है अब ब्लैक बॉडी एक काली बॉडी ज़्यादा रेडिएशन ऐब्ज़ॉर्ब कर सकती है किसी भी शाइनिंग बॉडी से इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लैक सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट ठीक है, है? इसलिए हम जो सर्दियों होती हैं उसमें ज़्यादातर काले कपड़े प्रेफर यूज़ करते हैं और गर्मियों में वाइट ये देखिए यहाँ पे जो ये ग्रीन हाउस बनाया हुआ है इसमें भी क्या हो रहा है इसमें भी डायरेक्ट रेडिएशन है जो सन की अंदर जाती है और फिर अंदर ही जाके ट्रैप हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देती है जिसके कारण ये प्लांट क्या है अच्छे से इनको गर्माहट मिलती है और इनकी ग्रोथ हो पाती है इसको कहते हैं ग्रीन हाउस यहाँ पे आपको थर्मस की बोतल का भी एग्जाम्पल दिया है थर्मस की बोतल जो होती है वो भी दो लेयर में बनती है और इसके बीच में क्या है एक खाली जगह छोड़ी जाती है खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है ताकि थर्मस के अंदर जो हमने गर्म चीज़ रखी है उसकी जो गर्माहट है वो बाहर ना निकल पाए वो जो वैक्यूम है वो खाली जगह है वो उस गर्माहट को बाहर नहीं निकलने देगा जिसमें जिसकी वजह से थर्मस के अंदर रखी हुई चीज़ गर्म गर्म रहती है और सर्द सर्द रहती है अब कौन से टाइप के कपड़े हमें गर्माहट प्रदान करते हैं हम ज़्यादातर डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं विंटर में क्योंकि डार्क कलर क्या है एब्जॉर्ब करता है हीट ठीक है और लाइट कलर के कपड़े क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है हीट को इसलिए जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वही हमें सर्दियों में कंफर्टेबल होते हैं और हमें गर्माहट प्रदान करते हैं ठीक है हमने ये पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में वुलन क्लोथ के बारे में वुलन क्लोथ में जो फाइबर होता है उसके बीच में भी बहुत से गैप होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है और क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको वो बाहर नहीं निकलने देता है इसकी वजह से हमें क्या है वो गर्माहट प्रदान करते हैं तो ये था आपका चैप्टर अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर पहले हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नंबर वन Mercury is used as a thermometer substance because is option C it expands seven times more than glass. Number two, instrument used for measuring temperature is called Ismiaga option D, thermometer. Third, the range of clinical thermometer is option A, 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius. Number four. लिक्विड थर्मामीटर आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू इसमें आएगा आपका एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ओनली नंबर फाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मर्करी इज तो इसका आंसर है माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस आगे मूव ऑन करते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स में द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी नंबर टू Average temperature of a healthy person is 37 degree Celsius and 98.6 degree Fahrenheit. Third, evaporation produced, ga, cooling effect. Number four, mercury does not drop back automatically in dash thermometer, this may clinical thermometer. Number five, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बिलो थर्ट माइनस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी तो ये है ट्रू बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस एट अ एट ऑल प्रेशर्स तो ये है आपका फॉल्स थर्ड हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड ये है आपका ट्रू फोर्थ सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी तो ये आएगा फॉल्स नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन अ मटीरियल मीडियम इज मस्ट तो ये है आपका फॉल्स इसमें कोई मीडियम नहीं लगता है आगे है आपके मैच द कॉलम तो ये आपको इस तरीके से दिए हुए हैं आप यहां से देखिए और इसको मैच कीजिए आगे हम मूव ऑन करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर Question number one. What is the unit of heat? This map lichinge. The unit of heat is joules or calorie. Question number two. Name the thermometer used to measure human body temperature. This map lichinge. The thermometer used to measure human body temperature is clinical or digital thermometer. Question number three. What is the degree of hotness and coldness of any substance known as this map The degree of hotness or coldness of any substance is known as its temperature. Question number four. What is the term used for heat transfer through solid this answer conduction. Question number five. which colors absorb more heat? लाइट और डार्क तो इसमें आप लिखेंगे डार्क कलर एब्सॉर्ब मोर हीट आगे ऑन करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर वन नेम द लिक्विड मोस्ट कॉमनली यूज इन अ थर्मोमीटर नेम अनदर लिक्विड विच इज पर्टिकुलरली इफेक्टिंग इफेक्टिव फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर तो इसमें आप लिखेंगे मर्करी इज द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड In thermometer. Alcohol is used for measuring low temperatures. Question number 2 Which is the best conductor of heat? Name the second best conductor of heat also. The best conductor of heat is the metal silver, and the second best conductor of heat is copper. Question number 3 Distinguish between conduction and convection. इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले कंडक्शन का नंबर वन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर टू हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर नंबर थ्री हीट ट्रांसफर इज स्लो नंबर फोर इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ठीक है अब लिखेंगे कन्वेक्शन के बारे में नंबर वन द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद इन द फ्लूड नंबर टू हीट ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी नंबर थ्री हीट ट्रांसफर इज फास्ट नंबर फोर इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आगे है क्वेश्चन नंबर फोर वाई कैन नॉट हीट Passed by means of conduction or convection in vacuum. This will in conduction and convection, both processes depend upon the medium, bracket me, particles, to travel heat from one end to another. But in vacuum, it does not contain any matter or particles in it. Hence, there is no medium of heat to be transferred. आगे है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव गिव एनी एक्टिविटी टू कंपेयर द हीट कंडक्टिविटीज ऑफ कॉपर एंड आयरन तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले इसका लिखेंगे एम टू कंपेयर द हीट कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड आयरन सेकेंड लिखेंगे आप अपेटस इसमें आप लिखेंगे सेल टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर कनेक्टिंग वायर्स मेटल स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड आयरन नेक्स्ट आएगा आपका प्रोसीजर प्रोसीजर में आप लिखेंगे नंबर वन अस मेक अ सिंपल सर्किट बाय कनेक्टिंग वन एंड ऑफ टॉर्च टू सेल एंड अनदर एंड टू अ मेटल स्ट्रिप। ब्रैकेट में आएगा कॉपर की और दूसरी बार आयरन की एंड टू सेल और आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे एज शोन इन फिगर इसका फिगर आपने बनाना है कुछ इस तरीके से फिर आएगा सेकेंड पॉइंट लेट अस इंसर्ट अ बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ आयरन एंड कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज बल्ब ग्लोज इन दर्किट ठीक है इसके साथ आपने ये डायग्राम भी इसका बनाना है आगे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर तो ये आपको बुक के ही पेज नंबर थर्टी फाइव में दिया है आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू थ्री तो ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से इसको ईजिली नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं तो ये था आपका चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ मैसेज करना ना भूलें और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें थैंक यू वेरी मच एंड अ नाइस डे